तमाम उन परिस्थितियों से अयोध्या गुजरा है जिन्हें लोग कल्पना नहीं करें कि आज जो टिप्पणियां कर रहे हैं उन लोगों का शायद जन्म नहीं हुआ होगा। वह दृश्य को अयोध्या वासियों ने देखा है, वह संघर्ष को देखा है और आज अयोध्या वासियों के ऊपर इस तरह की जो टिप्पणियां की जा रही हैं, यह मैं समझता हूं कि यह नकारात्मक विचार है। महंत बीरेन्द्र दास जी के संयोजन में उन्होंने संयोजक तत्व करके और बुलाया, आवाहन किया और जिसकी अध्यक्षता पूज्य वैदेही बल्लभ शरण बामन मंदिर पीठाधीश्वर ने की और पूज्य संतों ने उनके आवाहन पर वहां एकत्रित होकर के बैठक में निर्णय लिया और हार की समीक्षा हुई। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे और कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद थे जिनमें यह समस्त, चूंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया, आज से नहीं राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर के और सन 89 से निरंतर वो चले आए हैं और वह परिवार संघर्ष का एक प्रतीक रहा और तटस्थ होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लगे रहे, चाहे विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे और जहां जिसने जब चाहा तब वह हाजिर रहे। आज ठीक है पराजय हुई, किन कारणों से हुई ये तो बहुत बड़ा विषय है। पराजय में चूंकि देखिए जो जातीय समीकरण में जनमानस चला गया पराजय का सबसे बड़ा कारण रहा। दूसरा कारण रहा हमारे यहां चूंकि कुछ मतभेद रहे, अंतःकलह उसे कही जाएगी, अंतःकलह का भी एक कारण रहा, कुछ लोगों तक पर्चियां ना पहुंच पाना ये सबसे बड़ा कारण, वोटर तो वहां खड़ा है उसको पर्चियां उपलब्ध नहीं करा पाई और चूंकि संगठन को यह दायित्व तो नहीं दिया गया था, ये हुआ था कि आयोग के माध्यम से जो सरकारी जो बेलो लोग हैं ये पर्ची स्थानों तक पहुंचाएंगे, जिन्होंने बिल्कुल सरकारी जो तंत्र था यह काम नहीं किया, इसमें किसी के यहां तक पर्चियां नहीं पहुंच पाई जिसका यह सबसे बड़ा कारण रहा कि लोग पर्चियां नहीं पहुंच पाना और अन्य समुदायों की पर्चियां लोगों ने काम किया तो इसका सबसे बड़ा कारण रहा और जातीय ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा कारण रहा। जिसमें दूसरा हमारे यहां का व्यापारी वर्ग नाराज था, जिसमें वास्तव में चाहिए था संगठन की दृष्टि से कि व्यापारियों के बीच में जाना चाहिए, बैठक करनी चाहिए और उनसे अपनी मंतव्यता को रख करके अपनी बात को रख के और उनसे अपनी बात रख करके और बात को मनाने का प्रयास करना चाहिए, यह भी एक बड़ा कारण है। ऐसे तमाम कारण है जिनके नाराजगी के कारण रहे। तो मैं मानता हूं कि लल्लू सिंह जी ने बहुत संघर्ष किया है लेकिन आज जो सोशल मीडिया में अनेक प्रकार की जो टिप्पणियां आती हैं ये वास्तव में बहुत ही अयोध्या के और अयोध्या की आम जनमानस को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा। चूंकि अयोध्या वासियों ने बहुत संघर्ष किया, तमाम आंदोलनों को देखा, तमाम उन परिस्थितियों से अयोध्या गुजरा है जिन्हें लोग कल्पना नहीं करें कि आज जो टिप्पणियां कर रहे हैं उन लोगों का शायद जन्म नहीं हुआ होगा। वह दृश्य को अयोध्या वासियों ने देखा है, वह संघर्ष को देखा है और आज अयोध्या वासियों के ऊपर इस तरह की जो टिप्पणियां की जा रही हैं, यह मैं समझता हूं कि यह नकारात्मक विचार है और इन विचारों को लोगों को वापस लेकर के और अयोध्या वासियों पर इस तरह की टिप्पणी न करके और अयोध्या में रह करके और अयोध्या वासियों के संघर्ष को देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, तब इस तरह की टिप्पणियां करें कि अयोध्यावासी किन संघर्षों से आज भी गुजर रहा है और इसके बाद भी वह धैर्यता पूर्वक वह सहन करता है। इसके बाद भी लोग इस तरह का अनेक प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, इसलिए उन टिप्पणियों को वापस लें और नहीं यदि लेते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार मिलकर के शासन प्रशासन इन पे कठोर कार्रवाई करे, यह मेरी मांग है और ये संतों ने बैठक करके ये मांग भी की है। और दूसरी सबसे बड़ी मांग की है कि जो इतने वर्षों के संघर्षों के बाद क्योंकि यह अंतिम चरण होने के नाते यह मांग किया कि माननीय लल्लू सिंह जी को यह अवसर दिया जाए कि उन्हें चूंकि आने वाला इस समय कोई भी इस तरह का कोई नेतृत्वकर्ता वर्तमान में नहीं है, जो लल्लू सिंह को यह अधिकार दिया जाए किसी जगह केंद्र में रख करके उन्हें ऐसा रजिस्टर करें जहां की वह समाज को, राष्ट्र के और आने वाले आम जनमानस की सेवा कर सकें, यह सामर्थ्य यदि किसी में है तो लल्लू सिंह में है, किसी में दूसरे में नहीं, क्योंकि सदैव उनका मैंने संघर्ष देखा है, आज से नहीं मैं बालकाल से देखते आया हूं, तो यह संघर्ष में वो सदैव तत्पर रहे हैं और सदैव सभी जनमानस के साथ रहने का काम किया है। हाँ पत्र भेजा है, जो पत्र सोशल मीडिया के उसके माध्यम से भी गया है और इस समय सोशल मीडिया में चल भी रहा है, जो पत्र दिया है मैं आपको व्हाट्सएप में वो पत्र को भी मैं उपलब्ध कराता हूँ, मेरे पास वह पत्र है और चाहेंगे तो मैं पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को, दोनों को पत्र दिया गया है। और मांग केवल यही की गई कि अयोध्या के जनमानस की भावनाओं को देखते हुए माननीय लल्लू सिंह जी को वह अवसर दिया जाए
जिससे कि राष्ट्र अयोध्या के जनमानस की सेवा कर सकें पुनः। हाँ, मंत्रिमंडल में रख लें, राज्यसभा में रख लें, जहां उचित समझें उनका निर्णय, लेकिन हमारी मांग है कि कहीं उनको उचित स्थान उनको दिया जाए, जिससे कि वह आम जनमानस की हम सबके बीच में उन्हें सेवा का अवसर मिले।